सारे लोग कॉम्पिटिशन के लिए आए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने जो 2014 और 2018 में अभी रिसेंटली पिछले महीने जो व्यक्ति दो हजार चौदह से लेके 2018 चार साल बीत गए नालसा जजमेंट के लिए, और अभी सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत सुंदर सा वर्डिंग सेक्शन 377 पे दिया, मिस ट्रांस क्वीन, ये दूसरी साल हो रहा है और ललित होटल्स उसके साथ हॉस्पिटैलिटी में है, मतलब केशव सूरी जी जिन्होंने सेक्शन 377 की लड़ाई में भी बहुत बड़ा योगदान सर्वोच्च न्यायालय में जाके किया। ये प्लेटफॉर्म्स चाहे मिस ट्रांस क्वीन हो या अन्य और भी, ये दर्शाता है कि भारत बदल रहा है, भारत अपने पुराने जो हमारे रीति रिवाज थे, जो हमारा कल्चर था जिसमें नैतिकता नहीं थी, आज वो सारे तोड़ते हुए आज हम इस मंच पे देख रहे हैं कि पूरी इंडिया से हमारे समाज, किन्नर समाज, ट्रांसजेंडर समाज, अब तो ट्रांस मैन भी नया पैजेंट इंडिया एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं मेड इन इंडिया, इंडिया ने क्या नहीं दिया पूरे भारतवर्ष को और पूरे जग को क्या नहीं देता है। हम कहते हैं कि वी आर इंटरनेशनल गुरुज अगर अपने आप को मानते हैं तो ये सच बात है। आज ट्रांस मैन का जिस तरीके से इंटरनेशनल पैजेंट लॉन्च हुआ मिस ट्रांस क्वीन पैजेंट में इन एसोसिएशन विद ललित होटल्स, ये दर्शाता है कि समाज में अब उतने तकलीफें नहीं हैं। पर मैं आशा करती हूँ कि 2018 ख़त्म होने तक ट्रांसजेंडर बिल जो पार्लियामेंट में टेबल किया है लोकसभा में वो पास हो। थावरचंद गहलोत जी जो मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट हैं, मुझे ये आशा है कि प्रधानमंत्री और पूरा पार्लियामेंट इस बिल को पास करे, क्योंकि हम वो समाज हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा 70 साल आज़ादी के बाद हमें हमारा हक और हुकूक मिला है भारतीय होने का। हम रिजर्वेशन नहीं मांगते, पर विडंबना ये बात है कि आज जिस तरीके से सरकार रिजर्वेशन की बातें और अन्य बातों पे बहुत सारी बटी हुई दिखती है, पर एटलीस्ट ट्रांसजेंडर्स किन्नरों के प्रति या ट्रांस मैन के प्रति आप संवेदनशील रहें। और ये मंच हमेशा एक चीज़ दिखाता है कि इवन आई हैव द राइट टू लिव विद डिग्निटी। मैम, आपसे और एक चीज़ जानना चाहूँगा, हर साल जो है बिग बॉस में एक ट्रांसजेंडर होता था, लेकिन इस बार वर्डिक्ट आने के बाद रॉन्ग क्वेश्चन, मेंबर ऑफ द सेक्शुअल माइनॉरिटी, राइट, तो 377 सेक्शन आने के बाद भी अभी कोई है नहीं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं सीजन 5 तक मैं थी और मैं खुद को भी उतना टीवी पे नहीं देखती, मेरे काम में समाज सेविका रही हूँ और अभी आचार्य महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़े की हूँ। मुझे लगता है कि एंडमॉल को ये बोध होना चाहिए कि इस साल भी समाज के अंदर से सेक्शुअल माइनॉरिटी समाज, LGBTIQ या ट्रांसजेंडर समाज से किसी एक को लेना चाहिए था, पर अगर वो नहीं ले रहे हैं तो ये उनका प्रावधान है। इंडिया डेमोक्रेसी है, जिसे जो मनाए वो करे, पर मुझे लगता है कि क्या फ़ायदा, उल्टा हम लोगों को, मैं सोचती हूँ कि मैं किसी चैनल के साथ जुड़ के ट्रांसजेंडर और LGBTQ कम्युनिटी का बिग बॉस करना चाहिए ना, एक अलग से डिफरेंट टाइप, और ज़्यादा मज़ा आएगा। ये मर्द औरत लड़ते लड़ते और समाज में क्या पेश करना चाहते, इस पर भी प्रश्न चिन्ह है ना। अभी बताया कि जिस तरह बदलाव आ रहा है लोगों में, हमें एक जगह मिल रही है जो पहले नहीं था, तो कहा जाए बीजेपी सरकार का बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट रहा है, बहुत ज़्यादा उनकी सपोर्ट रहा और बदलाव देखने को मिल रहा है। सरकार कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे वो बीजेपी की हो, ये मानना चाहिए जो संविधान ने, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान लिख के गए, उस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 में, और सर्वोच्च न्यायालय ने ही 2018 में सेक्शन 377 पे वर्डिक्ट दिया। 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि पार्लियामेंट डिसाइड करे सेक्शन 377, और जब पार्लियामेंट में हिम्मत नहीं थी तब क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने हमारा सुना और सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 के बारे में अपना वक्तव्य बहुत सुंदर तरीके से दिया है। तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज हों तो वो
किसी के हक और हकूक को देने में कहाँ पे, मतलब अगर मैं बीजेपी सरकार को, मैं आलोचना कोई सरकार की नहीं करती, पर अगर बीजेपी सरकार महिला रिजर्वेशन बिल पास करवा लेती, पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो मुझे बड़ी खुशी होती। पर आज भी पिछले गवर्नमेंट से लेकर आज तक यहाँ पे तो तकलीफ ये है कि उसे की सुनी जाती है कि जिसके पास औहदा और पैसा है। हम तो ठहरे फकीर, हमारी कौन सुनेगा? अगर सुन रहे, बहुत सारे मिनिस्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम करेगा हम उसके बारे में बहुत अच्छी बातें करेंगे, और जो काम नहीं करेगा हम उसकी आलोचना भी करेंगे, क्योंकि ये मेरा संविधानिक और भारतीय होने का अधिकार है। जैसे थावरचंद गहलोत सामाजिक न्याय मंत्री हैं, उन्होंने ट्रांसजेंडर्स पे बहुत अच्छा काम किया, तो मैं सरकार की पूर्ण रूप से आलोचना नहीं करती, पर ज़रूरी प्रश्न उठाती हूँ कि बहुत सारे प्रश्न आज भी मुश्किलों के और कटघरे में खड़े हैं। कृपया करके मोदी जी इसे सॉल्व करें। इलेक्शंस हमारे सर पे हैं, हम चाहते हैं कि मेकिंग इंडिया सबका साथ सबका विकास में भी LGBTI ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। हमें मौका चाहिए, रिजर्वेशन नहीं। हाँ, मतलब सबसे पहले तो मैंने भी सुना पहली बार कि इस तरह का पेजेंट हमारे यहाँ होता भी है हिंदुस्तान में, और जब उन्होंने मुझसे बात भी की, जब उन्होंने मुझसे कहा, पूछा कि क्या जज करना चाहेंगे इस शो को, सो आई हैड नो क्लू हाउ विल आई डू इट। पर फिर जब मैं यहाँ आया, मैंने देखा इन्हें, तो कोई अंतर नहीं है। जैसे दूसरे पेजेंट शोज होते हैं वैसे ये भी है। आपके सामने कुछ कंटेस्टेंट्स हैं जो कॉम्पीट कर रहे हैं, और उन खूबसूरत हैं सभी, टैलेंटेड हैं सभी, और अलग अलग राउंड्स हैं जैसे हर पेजेंट में होता है। सो जो एक धारणा है हमारी कि पता नहीं ट्रांस क्वीन है तो ऐसा क्या अलग होगा, कुछ अलग नहीं है। जैसे सारे पेजेंट्स होते हैं ऐसे ये भी एक ब्यूटी पेजेंट है। बस आई थिंक एक बदलाव नजर आता है, एक नई सी चीजें सामने आ रही है। जब हम बदली पहली देखी तो ये देखकर कितना अच्छा लगता है कि लोगों में एक सोच बदल रही है, लोगों में बदलाव आ रहे हैं। एब्सोल्युटली, मतलब अगर अपने बचपन से सोचें और आज जहाँ हम खड़े हैं देखें, तो वी हैव कम रियली रियली लॉन्ग वे, एंड आई थिंक इन अ गुड वे, बट देयर स्टिल माइल्स टू गो। बहुत अभी रास्ता सफर तय करना बाकी है, बट एटलीस्ट बहुत अच्छी बात है कि लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग एक इक्वल समाज जिसे हम कह सकते हैं, जहाँ पे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी हो हर चीज़ की, हर तरह की। आई थिंक वी आर प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स इट, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइन। क्या क्वालिटीज़ देख रहे हैं जो कंटेस्टेंट यहाँ पर आए हैं, क्या क्वालिटीज़ आप देख रहे हैं, और जैसे मैंने पहले पूछा आपको, कितना चैलेंजिंग हो रहा है आपके लिए? सी, फॉर मी आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी राइट नाउ टू सी इन देम इज़ दैट वो कितने अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट हैं, अपनी कितने सहज हैं अपनी पर्सनैलिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी को लेकर, और कोई प्रोजेक्शन ना हो उसमें, उसमें अपने आप को, अपनी इंडिविजुअलिटी को अपने तरीके से जीने की क्षमता मैं देखना चाहता हूँ। सर, इसके अलावा आपका कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो आप शेयर करना चाहते हैं? हाँ, इसी तरह से, इसी थीम से जुड़ी हुई एक फिल्म है जो हमने बनाई है, मैंने मेरी बीवी ने मिलकर, और हमने लिखी है, प्रोड्यूस की है, और मैंने एक्ट किया है उसमें। तो उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से आज ये मिस ट्रांसपीन हो रहा है, और वहाँ पर मैं हिस्सा इसीलिए ले भी रहा हूँ क्योंकि वो फिल्म करते हुए बहुत चीज़ें समझ में आई, बहुत सारी चीज़ें जानी, क्योंकि वो प्रोसेस बड़ा ग्रूलिंग था, और आपको एक अलग तरह का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आया चीज़ों को लेकर। और हमने कोशिश भी ये की कि हम चीज़ों को अलग तरीके से, उनके नज़रिए से दुनिया को दिखाने की कोशिश की हमने फिल्म में। फिल्म का नाम खिचड़ी है, और फिलहाल अभी जर्मनी में फेस्टिवल होता है होमोक्रो, उसकी ओपनिंग फिल्म है। सो लेट्स सी, कोशिश तो है कि अपने फिल्म को लेकर और जितने हम हैं ये जागरूकता जो जिस तरह से फैल रही है उसे और फैलाने की कोशिश करें। तो कब तक फिल्म लोगों के बीच में आने का प्लान है, कब तक आ सकती है? अगले साल ही देख पाएंगे आप, बिकॉज फिलहाल तो वो ट्रैवल कर रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी जर्मनी है, उसके बाद में 3 जगह और वो ट्रैवल करेगी इंटरनेशनली, उसके बाद ही आप हिंदुस्तान में देख पाएंगे। इस साल के बिग बॉस को कितना फॉलो कर रहे हैं आप, उस बारे में कुछ? इस बार नहीं कर पा रहा हूँ फॉलो, लास्ट ईयर काफ़ी क्या, क्योंकि सारे दोस्त थे उसमें, विकास थे, बहुत सारे फ्रेंड्स थे उसके अंदर, इस बार नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ी मसरूफियत भी है और अदरवाइज भी नहीं कर पा रहा हूँ इस बार। जी क्या कहना है, सहज है बहुत, उसमें हम एक बार बार एक्सेप्टेंस की बात करते हैं। हम यहाँ पे खड़े इसी प्लेटफॉर्म पे हैं कि हम हर तरह की एक्सेप्टेंस रखें, और हर तरह के समाज में एक सबको जगह हो अपने आप को एक्सप्रेस करने की।
अब प्रेम को एक्सप्रेस करने के लिए उम्र में तो नहीं बांधा जा सकता। मैं तो दुआ करता हूँ, विश करता हूँ उन्हें ऑल द बेस्ट, और हमने बचपन से उनके गाने सुने हैं, एंड आई विश दैट ही कीप सिंगिंग लव सॉन्ग्स ऑल हिज लाइफ। थैंक यू सो मच। क्या है ट्रांजिशन के मेरी लाइफ में एज सच ट्रांजिशन का कुछ ऐसा ट्रांजिशन ही हुआ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही मैं लड़कों की तरह रह रहा था, और जब मैं 18 इयर्स का हुआ, 18 लीगल एज है, तब मैंने अपना मेडिकल ट्रांजिशन स्टार्ट कर दिया था। सो बहुत ही स्मूथली सब कुछ हुआ है, और फैमिली सपोर्टिव होने की वजह से हर चीज़ ईजीली हो गई। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करती तो शायद मैं आज भी स्ट्रगल कर रहा होता अपनी आइडेंटिटी के साथ, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा होता कि मेरे साथ मैं क्यों अलग हूँ। लेकिन मेरे को मेरी मॉम ने हेल्प करी, जब मैं 16 साल का था उन्होंने मेरे को सब कुछ बताया, और मेरे डैड ने मेरे को एक्सेप्ट किया, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मेरे को एक्सेप्ट किया, और उनका ये था कि हमारा बच्चा खुश होना चाहिए। थैंक यू।